हे राम, यहाँ सब नाग नागिन है। लड़ो और लड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी। बेटी जिंदा चाहिए तो बंद करो ये जंग। बताइए कहाँ है पूर्विका, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारी बेटी पेटी में है, तोहफे में मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन पहले रघु और त्रिशा की शादी तो हो जाने दो, उसके बाद। एक प्रार्थना, अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और हाँ, जाने से पहले सबकी याददाश्त मिटा के जाना। वो क्या है ना, अगर तू सबकी याददाश्त नहीं मिटाएगी तो मुझे मजबूरन में सबको मारना पड़ेगा, और आज मेरी बेटी की शादी है तो मैं अपने बेटे की शादी में खून की होली नहीं खेलना चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ, आप सबने यहाँ जो भी देखा, वो सब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे। मेरे यहाँ से जाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। मंडोदरी अपने बच्चों को राक्षस बनाएगी। हमें शिकार करने की शक्ति है, जाओ जाकर शिकार करो। इतनी छोटी सी उम्र में राक्षस बना दिया उन्हें।
ये कौन है बाबा? ये मेरी बेटी। माँ? माँ। हाँ। माँ, तेरी माँ। पाताली, देताली। तेरी दादी, तू अश्वत्थ का बेटा है ना? मेरा पोता, तू रानव है ना? मुझे रानव को छूके प्रथम का एहसास क्यों हो रहा है? ये मुझे प्रथम क्यों महसूस हो रहा है? मैंने कभी नहीं बताऊंगा कि मैं इनका बेटा प्रथम हूं। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रार्थना, मैंने मेहर को बचा लिया है, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि पूर्वी का कहां पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना ही हम रघु को बचा पाएंगे और ना ही पूर्विका को। अब तो नाक लोग भी खतरे में हैं। प्रार्थना, हमारी फौज बहुत छोटी है और ये जंग बहुत बड़ी। कैसे जीतेंगे हम ये जंग? अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक। चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हे शिव जी, आज आपकी ये शेष नागिन कसम खाती है, इस रात की, इस कायनात की, हमारी मोहब्बत की। इस कुदरत की कि मैं अपने बच्ची की जान भी बचाऊंगी और अपने पति की शादी भी रोकूंगी। जय भोलेनाथ। जंगल में हो क्या रहा था? जंगलियों की तरह लड़ क्यों रहे थे? वो भी एक दूसरे के साथ? एक बुआ, एक भतीजा, ये नतीजा, एक ही अंश, एक ही वंश, एक दूसरे के खून के प्यासे। अरे, खून का रिश्ता है, एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए। मत भूलो, राक्षस हैं हम, राक्षस। एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। अच्छा, आप तो महान मदर इंडिया। हाँ, इतने साल गायब, सब कुछ तोड़ ताड़ छोड़ छाड़ के चली गई। मेरी जिंदगी में तो आप कभी थी ही नहीं, पैदा होते ही फेंक दिया। क्या लगता है, भूल जाऊं? परसों बाद आके आप ऐसे सवाल करेंगी, हक जताएंगी, पूछेंगी तो हम हाँ जी मान जी बोल के आपको जवाब देंगे, सफाई देंगे। सही बोल रही है तू, बिल्कुल सही बोल रही है। मैं राक्षसनी अलग थी, सीना तान के खड़ी थी, हद से भी ज्यादा बड़ी थी। मेरे इरादे बड़े, मेरा मकसद बड़ा, एक जुर्रत थी, एक जुनून था। अपना घर नहीं संभाल पाई इसलिए अपने बच्चों को वहां छोड़कर मैं चली गई, क्योंकि मैं और तेरे बाबा एक साथ नहीं रह सकते थे। वो चिराग तो मैं आग, वो लहर तो मैं कहर, जो कभी एक नहीं हो सकते थे। और जिस राह पर तेरा बाप निकल पड़ा था ना, वो अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहता था। कैसे देख लेती? नहीं देख सकती थी अपने ही बच्चों को इंसान बनते हुए। मैं पाताली, शक्तिशाली, कट्टर राक्षसनी, अपनी आंखों से अपने बच्चों को इंसान बनते नहीं देख सकती थी। मेरा खून खौलता था, लेकिन हर वक्त तेरा बाप यही बोलता था कि मैं अपने बच्चों को इंसान बनाऊंगा। खाक इंसान। इसी बात पर बार बार हमारे झगड़े होते थे। मैं पाताली हमेशा यही चाहती, मेरे बच्चे शक्तिशाली जैसे पाताली, वो कभी ना हारे, कभी ना डरे, कभी कमजोर ना बने। कोशिश की थी मैंने, उन्हें शिकार करना सिखाया, पर हुआ क्या,
अरे तेरे बाप ने मुझे धुतकार दिया। लेकिन लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, इस झगड़े में मैं कभी गलत नहीं थी, क्योंकि क्योंकि मैं जानती थी कि हम बहुत शक्तिशाली है, तो हम इंसानों की जिंदगी क्यों जिए, कीड़े मकोड़ों की तरह हम क्यों मरे। वो बालका इतना बड़ा राक्षस अच्छा बनना चाहता था, लेकिन अच्छाई से उसे मिला क्या, कदम कदम पर मौत। अगर वो एक राक्षस था तो मैं भी एक राक्षसनी, कदम कदम पर मैं दुश्मनों को मौत देती थी, मार देती थी, विजयी हासिल करती थी। इतना तो जानती थी कि मेरे बच्चों के अंदर मेरा भी खून है। नहीं देख सकती थी अपनी आंखों से कि तेरा बाप मेरे बच्चों को मूर्ख और कमजोर इंसानों की जिंदगी दे। तो इसलिए आपने यह रास्ता चुना, अपने परिवार को छोड़कर चली गई, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। हे शिव जी, मैं आपकी शिव वरदानी आज रोके से भी नहीं रुकूंगी, मुझे मेरे परिवार का हिसाब चाहिए। बताइए मुझे मेरी बेटी कहाँ है, जवाब दीजिए, बताइए। मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बताइए मेरी बेटी कहाँ है शिव जी, जवाब दीजिए शिव जी, बताइए मेरी बेटी कहाँ है शिव जी। पूर्विका यहाँ? मैंने मैंने दादाजी की कहानियां सुनी है, बाबा से दादा को लेके, कि दादा ने बहुत अच्छी परवरिश दी बच्चों को, उन्हें सही रास्ता दिखाया। अच्छा, सही रास्ते पर चलकर उन्हें मिला क्या, मर गया तेरा दादा, मर गया। हमारे दुश्मन हमें कमजोर समझने लगे, एक एक करके हमारे वंश हमारे अंश को खत्म करते गए। तेरा दादा मर गया, प्रथम शक्तिशाली, प्रथम सर्वप्रथम। परियों से हमारी दुश्मनी है, पर प्रथम को परी से प्यार हो गया, उसके सामने वो कमजोर पड़ गया और एक दिन उस परी ने उसे मार दिया। बार एक राक्षस परी के सामने कमजोर पड़ गया।
यही परवरिश दी थी तेरे दादा ने कि वो इंसान बने, कमजोर बने और वो मर जाए। हमारा वंश कुछ पता नहीं गायब। अगर उस वक्त मैं वहां होती तो कोई भी नहीं मरता। अच्छा तो इतने सालों बाद आपको एहसास हो रहा है कि आप होती तो सब कुछ अच्छा होता, सब जिंदा होते कोई नहीं मरता। अजर अमर शक्तिशाली, इतने साल ख्याल नहीं आया? आया, आता रहा। तुम लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे लेकिन मैं सबको देख पा रही थी। अपने बच्चों से मैं दूर चली गई लेकिन दूर नहीं जा पाए। मैं तुम लोगों के साथ नहीं थी लेकिन हर बात की खबर थी मुझे। तुमसे प्यार हो गया। एक परी ने दोनों भाइयों के विश्वास और प्यार को तोड़ दिया। सब पर मेरी नजर थी। इतनी ही हम पे नजर थी? तब तो हमारे साथ सब कुछ गलत होते हुए भी आपने देखा ही होगा। बाबा गए, प्रथम गया, वंश गया, किसी को तो बचा लिए होते। और जब सब कुछ आपको पता ही है तो आपको तो ये भी पता होगा कि आपका बेटा अश्वत्थ भी मर चुका है। क्या अश्वत्थ? मेरा अश्वत्थ मर गया? हाँ मर गया। और आपके पोते को ऐसा लगता है कि मैंने अश्वत्थ की जान ली है? लगता नहीं है, पूरा यकीन है। डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि तुमने अश्वत्थ को मारा है। रानो, मैं तेरी बुआ हूँ और अश्वत्थ तेरे पिता थे। रिश्तों की इज्जत करना सीख। वाह क्या बात है, रिश्तों का खून करने वाली आज रिश्तों की बातें कर रही है। आज मैं तुझे इज्जत नहीं मौत दूंगा, मौत। मैंने अश्वत्थ की जान नहीं ली है। तूने ही ली है, ली है। अरे चुप 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 करो, चुप करो दोनों, दोनों राक्षस। बार 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 वही गलती कर रहे हो। ये गलती क्यों कर रहे हो तुम लोग? आप गलत थी, बचपन में ही बच्चों को छोड़ के चली गई थी, अब हक जताने आई है। हाँ गलती मेरी ही थी, उस वक्त भी गलती मेरी ही थी। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं तुम लोगों के साथ होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। वंश का तो पता ही नहीं चला। प्रथम, जब मुझे पता चला कि प्रथम चला गया तो मेरी आत्मा चित्कार उठी। एक माँ बहुत रोए। बस एक ही उम्मीद थी अश्वत्थ, वो भी चली गई। अपनी जड़, अपना घराना, अपना जमाना छोड़कर चली गई थी मैं। उस वक्त मैं गलत थी और आज मैं मानती हूं कि गलती मेरी ही है। बालका और प्रथम के जाने के बाद मुझे तुम लोगों के साथ होना चाहिए था। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तुम लोगों के सिवा मेरे पास कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आ गई हूँ और अपने बच्चे के पास, मेरा एकलौता पोता। मेरे तीनों बच्चे मर गए। अब तक लगता था एक बेटा अश्वत्थ तो जिंदा है, अश्वत्थ भी खत्म, अश्वत्थ भी छोड़कर चला गया। अश्वत्थ नहीं रहा। क्या अश्वत्थ मर गया? आप? ये मेरी मदर इंडिया, मेरी माँ और रानव की दादी।
आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन पहली बार देख लिया ना। मैं वापस आ गई हूँ अपने पोते के लिए, अपने पोते के लिए और उसके परिवार के लिए। अब मैं हूं। मेरी दादी तो आप ही रहेंगी। रानव के पिता चले गए, ये जान के बेचारे रानव पे क्या गुजर रही होगी। तो अब क्या आप हमारे साथ घर चलेंगे? अगर मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं तो मैं अपने घर नहीं चलूंगी। आप क्यों नहीं चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। शादी के बाद आप हमारे साथ वापस घर चलेंगी। चल बेटा, नागमहल चल, जहां तेरी जिंदगी है। यामिनी, आज कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या? नागलोक पर सबसे बड़ा हमला। बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी, लेकिन आज सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं, और उसके बाद नागलोक की शक्ति, धन संपत्ति, वहां का पत्ता, वहां की सत्ता, सब कुछ मेरा होगा। पूरा नागलोक मेरा होगा उसके बाद सात लोक की विजय मैं हासिल करूंगी। मेरे लक्ष्य मेरे इस वार में मेरी साथी है, महक। ओह, अभी जो इतना रोने धोने की कहानी सुनाई, मुझे तो लगा आप बदल ही गई है, अपने बच्चों के लिए वापस आ गई। पर नहीं, आप तो अभी भी वही पहले वाली पताली, जिसे सत्ता और शक्ति की भूख है। कभी नहीं बदलती पाताले, देखताली। महक, हाँ? तुमने जो अपनी महान प्लान में मेरी महान माँ को इन्वॉल्व किए हो ना, पाताली, हाँ वो मेरी माँ है। बरसों पहले मेरे सौतेले पिता के घर के बाहर मुझे छोड़कर चली गई थी। वो तुम्हारी भी अम्मा है,
वो तुमसे भी सब कुछ झपट लेगी और तुम्हें भी टपका देगी। और दूसरी बात, जब तक वो है ना, तब तक नागलोक पे हमला करना इतना आसान नहीं है। वो कौन? मेरे सौतेले भाई अश्वत्थ का बेटा, पाताली का पोता रानव। अगर उसे भनक भी हो गई ना कि नागलोक पे वार हुआ है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो बहुत शक्तिशाली राक्षस है। तू फिक्र मत कर यामिनी, मैं हूं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा, जो भी इस दुनिया में आते हैं, एक ना एक दिन उन्हें जाना ही पड़ता है। पर सिर्फ उनका शरीर जाता है इस दुनिया से, अपनों का प्यार, उनका एहसास, उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। और कहीं ऊपर से, आसमान से वो हमें देखते रहते हैं बेटा। अश्वत्थ भी कहीं दूर से तुझे देख रहा है, लेकिन तू इस तरह उदास होगा, इस तरह याद करके उसे रोता रहेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, है ना? देख, मुझे ना तेरा ये उदास चेहरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं ना तो किसी भी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा हंसता खेलता हुआ देखना है। तो तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे चेहरे पे सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? तेरी स्माइली। तो जल्दी से मुझे अपनी स्माइली दे दे और मेरा विटामिन बढ़ा दे। दे दे, दे दे बच्चा। ओ, मेरा बच्चा। मैं जो भी करना जल्दी करना होगा। पूर्वी का अपनी आखिरी सांस ले रही है। शेष नागिन, हमें माफ कर दीजिए, हमें वाकई नहीं पता था जो भी कुछ हुआ वो। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपने तो मेरी बच्ची को इतने सालों तक संभाला है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये आप लोगों का उसके लिए प्यार ही तो था, इसलिए तो आप बस डर गए कि शायद आपकी बच्ची आपसे छीन ली जाएगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सारी बातें बाद में करते हैं, पहले हमें पूर्विका की जान बचानी होगी। प्रार्थना, हमारे पास समय बहुत कम है, अब आप दोनों बहनों को आसपास समकक्ष लेटा दीजिए। प्रार्थना, अब तुम इन दोनों के बीच आकर इनका एक एक हाथ अपने हाथ में लेकर दोनों के बीच का सेतु बन जाओ और भगवान शिव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी बच्ची,
इस बच्ची मेहर ने अपने शरीर का विष देकर अपनी बहन को एक नया जीवन दान दिया है। पूर्विका बस कुछ समय के लिए कमजोर रहेगी, फिर पहले जैसी हो जाएगी। आप सब मेरी बच्चियों का ध्यान रखिए, मुझे शादी में जाना है, मुझे अपने पति को बचाना है, वरना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सालों पहले माँ ने हमें इंसान से राक्षस बनाया, जो पापा कभी नहीं चाहते थे। आज सालों बाद अचानक माँ वापस आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों से इतना ही प्यार होता तो छोड़ के ही नहीं जाते। हाँ, आज इतने सालों बाद वो आई हैं, तो इसके पीछे भी उनका कोई तो मकसद है। हाँ, उनके आने का कोई तो राज है। ठीक हो? हाँ। सच बोल रहे हो या झूठ? तुम बताओ, सच बोलो या झूठ? सच। अरे तुम तो अचानक हक जताने लगे कि सच बोलो। मुझे झूठ पसंद नहीं है। धोखा पसंद है? बोलो, धोखे से तो शादी की थी ना मुझसे, धोखा पसंद है? जो धोखा देते हैं उन्हें धोखा ही मिलता है। मतलब? मुझे मतलब निकालने नहीं आते। ओह गॉड, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरे असली की पत्नी हो। पत्नी असली या नकली नहीं होती, पत्नी पत्नी होती है, और जो कि मैं हूँ। तुम होगी, मेरे लिए रिश्ता नहीं। तुम लड़कियों भी ना, शादी चाहे जैसी भी हुई हो, गले पड़ जाती हो। गले तो पड़ूंगी ही ना, मेरी मांग में सिंदूर भरा है तुमने। मुझे क्या पता था कि जिस मांग में मैं सिंदूर भर रहा हूँ वो मांग तुम्हारी है। वैसे एक खबर है तुम्हारे लिए, अभी तक तुम्हारा खून पीने के लिए एक सांस थी, अब एक महासांस के लिए तैयार हो जाओ। मेरी दादी। दादी, रानव तो कब का मर चुका है? अभी जो रानव मेरे सामने खड़ा है ये प्रथम है। रानव नहीं, इसका ये मतलब कि प्रथम की माँ वापस आई है। अब ज्यादा मत सोचो और अपनी महासांस से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ओ छोकरी, यहाँ क्या कर रही हो? पहले आप बताइए कि आपने इतने सांपों के बीच
किसे कैद कर रखा है। जो माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई थी वो आज अपने पोते के पास वापस आई है, तो इसकी कोई तो साजिश होगी। ऑल द बेस्ट। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब चार फेरे संपन्न हुए, आगे के तीन फेरों के लिए दुल्हन आगे आ जाइए। अब सातवां और अंतिम फेरा, इसके बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और ये शादी संपन्न। स्वर्णा, अजय, मैंने समय रोक दिया है। अब यहां से सारे इंसानों को बाहर ले जाओ। अरे ये सारे लोग गए कहाँ? जहां मैंने उन्हें भेजा है। अब यहां सिर्फ नागिनों की बारात है और आपकी हार। तू तो फिर आ गई। मैंने तुझे कहा था नहीं शादी मत रोक, मैं तेरी बेटियों को मौत की घाट में उतार दूंगी। जिंदगी और मौत का फैसला तो ऊपर वाला लेता है, और अब मेरी दोनों बच्चियां आपके बंधन से मुक्त है, और अब ये गठबंधन भी। लो, रोक ली मैंने ये शादी। हमारी दूसरी बेटी मिल गई, कहाँ है और कौन है वो? तुम जानते हो उसे, जीत वीर जी और मंजीत बहन जी की बेटी, मेहर। मेहर ही हमारी बेटी है। 7 साल पहले उन्हें वो यमुना नदी के किनारे मिली थी, और तब से उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मेहर हमारी बेटी। नहीं सुनिए, वो लाल दुपट्टे वाले सुनिए। आपका नाम क्या है जी? मेहर कौर है जी। मेहर कौर, और पूर्विका ठीक है ना? हाँ पूर्विका ठीक है, मेहर ने उसकी जान बचा ली। हमारी दोनों बच्चियाँ सुरक्षित है, एक सुरक्षित स्थान पर है। हमारी दोनों बच्चियों को उनका परिवार मिल गया है, दोनों बच्चियों को उनकी जिंदगी मिल गई है, और अब मेरे दुश्मनों को उनकी मौत मिलेगी। इन लोगों ने मेरी बच्चियों पर जुल्म किए है, मेरे पति पर सितम किए है, और आज मैं अपना इंतकाम लूंगी। एक पत्नी का, एक मां का, एक शेष नागिन का इंतकाम। कौन आता है इतनी रात को ज्वेलरी खरीदने? तू भी अजीब है।
आधी रात को दुकान खुलवा दी, बोल क्या खरीदना है तुझे? अरे मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं तो ये कंगन बेचने आया हूँ, ये देखो। चोरी करके लाया है तू इसे? अरे नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे भी कहीं मिला है पड़ा हुआ। और तू इसे उठा कर लाया आधी रात को? पैसे की तुझे इतनी तलब है? लेकिन ये कंगन तो पिघला हुआ है एक तरफ से, इसका क्या भाव मिलेगा तुझे? अरे जो भी मिलेगा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। तो ठीक है, तू यहीं रुक, जांच करके बताता हूँ। थोड़ा जल्दी करो आप। ठीक है। अरे सुनील जी, जरा देखना ये कंगन असली है या नकली। जी सेठ जी। हाँ, ये कंगन तो बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा है। हाँ, और बहुत ज्यादा कीमती भी है। अच्छा, वैसे पुराने जमाने में गहने नहीं होते थे, वैसा ही है। वैसे कंगन कौन लेकर आया है? ऐसे ही कोई बेचने आया है। सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे खरा सोना आज तक नहीं देखा है। यहाँ से पिघला हुआ है। सर ये कंगन पिघला कैसे? मैं बताती हूँ। क्योंकि जिस हाथ में ये कंगन था, उसी हाथ ने एक निर्दोष पे असी अस्त्र चलाया था। कहते हैं अगर कोई किसी निर्दोष पर असी अस्त्र चलाता है तो वही असी अस्त्र उसका हाथ भी जला देता है। सही कहा तूने, एंटीक पीस है, सबका बाप। पूछो क्यों, मत पूछ, मैं बताती हूँ। ये कंगन एक परी का है, उसने एक राक्षस को मारा था। यामिनी और शेखर तो चले गए, ये कौन है? आप यहां कैसे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जानता हूं आप कौन हो, मुझे मत मारो, मैं सबको बता दूंगा। मेरे प्यार, मेरी ममता और मेरे परिवार को तोड़ नहीं सकती। रत्ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो समझ आया कि गलत मैं था। माफ कर दो। नहीं रखो, मेरी माँ कहती है अगर आपका रिश्ता लौट आए तो वो आपका है, और मेरा रिश्ता लौट आया रखो, मेरा प्यार लौट आया, मेरा परिवार लौट आया है, अब मुझे और चाहिए ही क्या। Oh,
सबको बचा लिया, अब सिर्फ हमारे नागलोक को बचाना है। चेक कराने में इतना समय, ऐसा करते हैं वहीं चल के देखता हूं। कहां गए ये लोग? हाँ, मालिक तो कंगन लेके अंदर ही आया था, पर दिख नहीं रहा है। मुझे तो यही लगा था कि रानव की परी का कंगन देखते ही पहचान लेगा, नहीं पहचान पाया। कोई बात नहीं, अब रानव को जाकर बताएगी ये पतले दे तले। शेखर, तुम पूरी फैमिली को लेके जल्दी से यहां से निकल जाओ। और तुम? आज काल की रात है, काली रात। आज वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, आक्रमण, नागलोक पे आक्रमण। और आक्रमण करने वाली शक्तियां एक नहीं दो है, नागलोक की दुश्मन नागिने और उनका साथ दे रहा है नागलोक की कट्टर दुश्मन राक्षस वंश। उन दोनों को नागलोक पे जीत हासिल करनी है, खजाना हासिल करना है। नागलोक के पास बहुत शक्तियां हैं, उन दोनों को वो शक्तियां हासिल करके सातों लोक पे विजय हासिल करनी है। और इस जंग में मुझे महक का साथ देना है। तो यामिनी नागलोक पे होने वाले सबसे बड़े आक्रमण में नागलोक के दुश्मनों का साथ दे रही है, महक का साथ दे रही है। ब्रह्मांड में हलचल कैसी? ये किसी अनहोनी का संकेत है नागराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नागलोक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुछ तो गलत होने वाला है कालिया। बस शेषनाग और शेषनागिन भी यहाँ पर नहीं है। वार के लिए तैयार हो जाओ। आज नागलोक पे ऐसा वार करेंगे, ऐसा वार करेंगे कि पूरा नागलोक तबाह हो जाएगा। रास काली, चंग काली, पाताली, देताली, चलो। यामिनी और उसके जैसे दूसरे राक्षस बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने नागलोक पे हमला कर दिया तो तबाही मच जाएगी। उस तबाही, उस आक्रमण को मुझे रोकना होगा। उनका कोई हक नहीं नागलोक पे, वहाँ के खजाने पे। इस लड़ाई में मैं नागलोक का साथ दूंगा। मैं यामिनी और राक्षसों को रोकूंगा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन मैं नागलोक के साथ हूँ, उनके लिए लड़ने जा रहा हूँ। यही तो हम नहीं चाहते कि तुम नागलोक की तरफ से लड़ो, उनका साथ दो। वो तो मैं दे के रहूंगा, पर तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम तो खुद नागवंशी हो। एक नागवंशी हो के नागलोक से दुश्मनी क्यों? किसने भेजा है तुम्हें? शक्तिशाली नागिन महक, उसने हमें भेजा है तुम्हें रोकने के लिए। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो
तो फिर रोको मुझे। खबरदार, यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। नागराज, महक, तुम एक नागिन होके नागलोक पे हमला कैसे कर सकती हो? मैं आज नागलोक का नाम और निशान मिटाऊंगी। मिटाना और लिखना तो महाकाल के हाथ में है। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। नागलोक पे हमला हुआ है। कुछ नाग नागिनों ने नागिनों के साथ धोखा किया है। उनका साथ राक्षस वंश ने भी दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि नागलोक की उनकी दुश्मनी पुरानी है। वो नागलोक पर कब्जा करना चाहते हैं। नागलोक की धरोहर, धन संपत्ति, उन्हें सब चाहिए और साथ में अपना बदला भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागों के दुश्मन राक्षसों को वो शक्ति, वो खजाना कभी नहीं मिल सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमें उन्हें रोकना होगा। नागलोक को उनसे बचाना होगा। जिस नागलोक में तुम पली बड़ी, उसी पर हमला दुश्मनों के साथ। बेटा, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम मेरे ही खिलाफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कर सकती हूँ, इसी दिन के लिए तो मैं यहाँ आई थी। नागिन आ गई। अब तुम सब चाहे हजारों हो, लाखों हो या करोड़ों, मैं तुम लोगों को मेरे नागलोक की हस्ती नहीं मिटाने दूंगी। मैं रोकूंगी तुम्हें, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। नाग नागलोक का रक्षक है, वो हर लोक के भक्षक से बचाएगा। करो वार, मैं भी हूं तैयार। रघु, तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझ पर वार करोगे तुम? कैसा भाई?
तुम बहन नहीं दुश्मन हो, और दुश्मन की मदद की तुमने हर मकसद पूरा करने में। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं नागलोक पे एक भी आज नहीं आने दूंगा। रुक जाओ, मुझसे लड़ो और जीत के दिखाओ। प्रार्थना रुक जा, मैं बजाती हूं तेरी बीन, गिराती हूं तुझे इस जमीन पर धड़ाम, क्योंकि अब आ गई है पाताली देवताली। बचा ले अपने आप को इस सर्प गंध के जाल से, बचा अपने इस नागलोक को, क्योंकि अब ना रहेगा नाग और ना ही रहेगा लोक। मरा मरा अकेले में शोक। परी, दो पल में तुझे परी माँ से मरी माँ बना दूंगी। हटो मेरे सामने से। तुम हटो, हम परियों का कर्तव्य है धर्म की रक्षा, सबकी सुरक्षा, और मैं आज तुम्हारे इरादों को पूरा होने नहीं दूंगी। मुझसे लड़ेगी तू? हार जाओगी, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे लड़कर तुम जीत जाओगी? कभी नहीं। प्रार्थना, आज इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पूरा परी लोक तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि इन राक्षसों के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, और आज मैं इस दुश्मनी का अंत करूंगी, इस सबसे बड़ी राक्षसी का अंत करके। रानी परी, तुम शायद ये भूल रही है कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, और आज तो हमारे सिर पे जुनून सवार है। अब जितने भी पंख लगा के उड़ लो, लेकिन हार तुम्हारी होगी। देखते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई में किसकी जीत होती है। यहाँ तो बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। अब इसी जाल में लिपट कर अपनी आंखों से अपने नाग लोक का सर्वनाश होते देखना, क्योंकि आज इस युग की सरदारनी है पाताली देवताली।
अपने आंसू व्यर्थ मत करो। हुँ? आज पूरे 20 साल बाद मैं आपको देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप यहाँ धर्म की रक्षा के लिए, सही की जीत के लिए और साजिशों के अंत के लिए आई हैं। आपकी बेटी ना बहुत जल्द अपना बदला पूरा करेगी और आपके पास अपने परी लोग लौट जाएगी। माँ, माँ, आप सुन रही हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? माँ, मुझसे बात करिए ना। माँ, आंखें खोलिए ना। माँ, माँ आंखें खोलिए ना। माँ, कुछ बोलिए ना। माँ, 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 मैं बस अभी आई। प्रार्थना, तू भी आ गई छुपते छिपाते? प्रार्थना को बचाएगी? मैं बचाने दूंगी तब ना। तू मुझ पे वार करेगी, अब तू देख मेरा पलटवार। दिशा की आवाज है, मुझे जाना होगा। ये मैं अचानक कहाँ चली गई? तूने मेरी बेटी पे वार किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। मुझे बेला को बचाना होगा। शिव जी, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। शिव जी, महक मासी, शेष नागिन आ गई। आपको लड़ना है तो मुझसे लड़िए। प्रार्थना, नहीं रघु, तुम द्वार पे ही रहना। आज चाहे जो हो जाए, तुम इन राक्षसों को नागलोक के अंदर प्रवेश करने मत देना। रघु, यामिनी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, आज नागलोक में किसी को कदम नहीं रखने दूंगा मैं।
माँ बेटी एक साथ, तुम दोनों साथ मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ईष्ट, मेरे देव, मेरे शिव जी मेरे साथ हैं। जय भोलेनाथ। शेष नागिन, ज्यादा हवा में मत उड़, तुझे लड़ने का इतना शौक है ना, आ लड़। हे शिवजी, आज कयामत की रात है, और आप जिसके साथ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। मेरा साथ दीजिए शिवजी, मुझे अपनी शक्तियाँ दीजिए शिवजी, अपनी शक्तियाँ दीजिए, अपने तीसरी आंख की शक्तियाँ दीजिए शिवजी। जय भोलेनाथ। प्रार्थना, शक्तियाँ आज मेरे साथ है। जिस खड़क से मैंने तुझ पे वार किया था ना, वो कोई साधारण खड़क नहीं था, वो पताली का हथियार था, महकवार। तू आज नहीं टिकेगी और आज तू नहीं जीतेगी, क्योंकि जिस खड़क से मैंने तुझ पे वार किया है ना, उसकी वजह से तेरी सारी शक्तियां खत्म। भाइयों, जीवन और कर्तव्य में से एक चुनने का समय आ गया है। हर हर महादेव। प्रार्थना, लो जल्दी से मेरा खून पी लो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती बिला, मेरे शेष नागिन के जहरीले जहर से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन प्रार्थना, अभी शेष नागिन को शक्ति की जरूरत है। लेकिन इतने सारे राक्षसों से और नागिनों से एक कमजोर शेष नागिन नहीं लड़ पाएगी। तुम्हें एक बड़ी शक्ति की जरूरत है, एक बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है, जो एक परी के पास है, मेरे पास। मेरी परी माँ घायल है, वो मूर्छित है, अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, वो राक्षस नागलोक पे विजय पा लेंगे और उसके बाद उन्हें सातों लोक पे विजय मिल जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम मेरा खून पी लो प्रार्थना, उसके बाद तुम्हारी शक्तियां भी वापस आ जाएंगी, एक नागिन की शक्ति वापस आ जाएगी तुम में। एक जहरीली शेष नागिन और परी का खून मिलकर एक विशाल शक्ति बनेगी, जिससे सारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। Thank you.
अकेला। प्रार्थना, मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। आज अगर मेरी मौत हो जाए, मेरी मेरी परी माँ से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो उनसे ये भी कहना कि मुझे माफ कर दे, 20 साल पहले मुझसे एक गलती हुई थी जिसकी वजह से उनका उनका सर झुका था। मैं एक बहुत गलत इंसान से प्यार कर बैठी थी। किससे? एक राक्षस से। मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा, पर आज कह रही हूँ कि वो प्यार ही था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और मरते वक्त झूठ नहीं कहते। वो प्यार ही था जिसने मुझसे सारे गलत काम करवाए। आज राक्षसों को रोकने के लिए मैंने तुम्हारा साथ देकर अपना परी धर्म निभाया है, और कुछ हद तक मेरा बदला और मेरा पश्चाताप भी पूरा हुआ। प्रार्थना, एक परी और एक राक्षस का प्यार श्रापित है, वो कभी एक नहीं हो सकते थे, कभी नहीं। बेला, अक्सर प्यार उसी इंसान से होता है जिससे होना नहीं चाहिए, और भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। इन सातों लोगों के ऊपर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ने ही इन सातों लोगों को बनाया है, और इन सातों लोगों के अंदर प्यार का एहसास दिया है। अगर दो लोगों को प्यार हो गया जो नहीं लिखा था, तो इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी जो ऐसा हुआ है। अगर एक परी को एक राक्षस से प्यार हुआ है, तो इस सब के पीछे भी भगवान का कोई एक बहुत बड़ा मकसद होगा। पर अब वो क्या मकसद है, वो तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। बेला, तुम बनी ही थी एक राक्षस से प्यार करने के लिए। बेला, फिर से अपना जीवन मिल गया है, पर हाँ, ये याद रखना कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस नहीं मिली है, कुछ वक्त में मिल जाएंगी। और बेला, आज तुमने मुझे अपनी शक्तियाँ देकर सिर्फ मेरी नहीं, पूरे नागलोक की रक्षा की है। आज ये शेष नागिन राजपरी को प्रणाम करती है। हाँ बेला, जब भी तुम परीलोक वापस जाओगी, तुम परीलोक की उत्तराधिकारी होगी। शेषनाग और शेषनागिन की जय हो, विजय हो। आज से हमारी कैदी बन के रहेगी, डाल दो इसे कारागार। ये जो तुम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखना, एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, और तुम पछताओगे। लेके जाओ इसे। शेषनाग और शेषनागिन की जय हो, विजय हो। ये जय, ये विजय सब शिव के वरदान से। देवों के देव महादेव ने हमारे नागलोक के गर्व की रक्षा की है। हे शिव जी, आपको शिव वरदानियों का प्रणाम। शेष नाग और शेष नागिन का प्रणाम। प्रार्थना, अगर तुम सही वक्त पे नहीं आती तो मेरी दशा से शादी हो जाती, मैं टूट जाता और नागलोक छूट जाता। लेकिन तुमने आके सब बचा लिया। आज तुमने साबित कर ही दिया कि एक औरत में एक आदमी से ज्यादा हिम्मत होती है, और जब एक आदमी हिम्मत हारता है ना, तो एक औरत ही उसे जोड़ती है। वो इसलिए क्योंकि आदमी हिम्मत भी तो जल्दी से हार जाते हैं ना। हम औरतों को तो आदत होती है शुरू से ही, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, घर, पति, बच्चे, घर परिवार, एक दिन में दो हाथों से चार काम करने होते हैं, तो बस करते करते हिम्मत आ ही जाती है। प्रार्थना, तुम्हारी हिम्मत का क्या कहना, तुमने अकेले लड़के देश को बचाया, नागलोक को बचाया, बल्कि सातों लोगों की विजय आज तुमसे, प्यार का अक्षर, परिवार की किताब और देश का ताज आज तुमसे।
तुम एक में लाखों, मैंने आज तक तुम जैसी कोई नहीं देखी जो कभी टूटी नहीं, तूफानों से लड़ती रही और आगे बढ़ती रही। बस 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 रखू, बहुत हुई मेरी तारीफ, अब घर चले, हमारी बच्चियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो चलो। क्या हुआ वासुकीनाग, अब रो क्यों रहे? शेषनाग, आज मेरी ही बेटी ने मेरा सर चुका दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नागलोक में मेरी बेटी ही विभीषण बन गई। अपनों को धोखा दिया, आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दीजिए शेषनाग। आप वासुकी नाग है, आपके आंखों में ऐसे आंसू अच्छे नहीं लगते, और गलती आपकी नहीं है, गलती तो त्रिशा की है। आपने तो त्रिशा को पाल पोस के बड़ा किया, वो तो आपकी थी भी नहीं, फिर भी उसे इतनी नाजों से पाला। आप तो एक अच्छे पिता बन गए, एक नागिन की बच्ची को नागलोक के द्वार से उठा के अपने दिल में बिठा लिया। आप ऐसे रोइए मत, एक आप ही तो है जिसके वजह से हमारा नागलोक सुरक्षित है, जिसकी वजह से नागलोक में इतना प्यार है, यहाँ लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वासुकी नाग, आपने पहले भी नागलोक को संभाला है, आज जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी आपको नागलोक को संभालना होगा। प्रार्थना, उसने फिर से हमें हरा दिया। अपनी बेटी पूर्विका को ले गई, त्रिशा की शादी रुकवा दी, रघु को भी ले गई, और तो और हमारा सबसे बड़ा वार उसमें प्यार, नागलों को उसने बचा लिया। माँ, मैं रघु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं। त्रिशा, मेरे बच्चे, तुझे तेरा प्यार चाहिए ना, मैं तुझे तेरा प्यार दिलवाऊंगा, थोड़ा वक्त तो दे, थोड़ा सब्र तो कर मेरे बच्चे। अभी हम लोग ताकत में भी कम है और गिनती में भी, हमारे साथी मृग को उस रघु ने नागलोक में कैद करके रखा है, और परम का भी कुछ अता पता नहीं है। अब हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है ना, थोड़ा सा वक्त दे बेटा। नहीं पापा, अब क्या समझना क्या समझाना, जो गया वो गया, मेरा रघु चला गया, अब मैं भी चले जाऊंगी, अपनी सारी नागिन शक्ति त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, मुझे नहीं जीना। त्रिशा, ये तू कैसी बातें कर रही है? त्रिशा, मेरी बात तो सुन। आ गए, छोड़ो मुझे, वरना सबको खत्म कर दूंगा। क्या हुआ परम, हैरान हो गए कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया? जिस प्रार्थना को तुम बर्बाद करने निकले थे उसी ने तुम्हें आजाद कर दिया? परम, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ताकतवर हो कि प्रार्थना तुम्हें मार नहीं सकती? वो तो तुम्हें कब का मार चुकी होती, सिर्फ बंदी बना के इसलिए छोड़ दे क्योंकि तुम नैना के पति हो। परम, तुम दुश्मनों के साथ इतना मिल गए कि अपनों पर ही टूट पड़े, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो नैना पर क्या बीतती। परम, हमेशा याद रखना, नफरत लोगों को सिर्फ मारना जानती है, वो सिर्फ मोहब्बत है जो रिश्तों को जिंदा रखती है। परम, ये मत भूलो कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक पत्नी भी है और एक मौका भी, फैसला तुम्हारा है। देखो, एक नई जिंदगी शुरू करो, जो हुआ उस सबको भूल जाओ, महक के लिए तुम बस एक मोहरा हो, कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम मर जाते हो तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नैना के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अपनों के साथ जीना है या दुश्मनों के साथ मरना। पर एक बात हमेशा याद रखना परम, अब से मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, अगर फिर से तुमने दुश्मनों का साथ दिया तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदगी नहीं दूंगी, तुम्हें मौत दूंगी। रुक जाओ,
देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं नागों का साथ देने आया हूँ, नागलोक को दुश्मनों से बचाने आया हूँ। शेष नागे ने परियों की मदद से नागलोक को बचा लिया है, अब युद्ध समाप्त हो गया है और नागलोक विजयी हो गया है। युद्ध समाप्त, नागलोक बच गया, तो फिर मुझे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे अब भी कुछ कुछ गलत है, कुछ तो है जो सही नहीं है।